नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिजनौर के शेरकोट की सीमा पर राम गंगा पर बने हरवेली बैराज पुल से एक कार अनियंत्रित होकर गंगा में गिर गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। आल्टो में पांच लोग सवार थे, जिनमें से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक की जान बच गई है। फिलहाल कार और शवों को पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र अफजलगढ़ शेरकोट की सीमा पर राम गंगा पर बने हरवेली बैराज पुल से एक कार मंगलवार रात करीब 8:30 बजे अनियंत्रित होकर गंगा में जा गिरी। बताया जा रहा है कि कार में सिकंदर पुत्र रऊफ, खुर्शीद पुत्र अब्दुल रशीद, राशिद पुत्र मकबा उर्फ मोहम्मद अली, फैसल पुत्र सिराजुद्दीन और महरूफ पुत्र रऊफ प्रधान निवासी गाँव नगलानथा उर्फ छिपरी कार के अंदर फंसे हुए थे, जबकि इनमें से सिकंदर ने कार का शीशा तोड़कर कार के ऊपर आकर चीख पुकार मचाई, जिसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों सहित पुलिस कर्मियों को चीख पुकार की आवाज सुनाई दी और सुरक्षा कर्मियों व पुलिस कर्मियों की मदद से सिकंदर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बाकी अन्य चार लोगों की डूबकर मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही अफजलगढ़ सीओ अर्चना सिंह, कोतवाली प्रभारी धामपुर अवतार सिंह, कोतवाली प्रभारी सिहारा धर्मेंद्र सोलंकी, अफजलगढ़ क्राइम इंस्पेक्टर राजेश चौहान व अफजलगढ़ और शेरकोट पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी मशीन बुलाकर रेस्क्यू कर कार को बैराज से बाहर निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी पुलिस जेसीबी से कार को बाहर नहीं निकाल पाई, जिसके बाद हाइड्रा बुलवाया गया। वहीं कोई भी व्यक्ति नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया, तब मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने हिम्मत कर हाइड्रा के तारों से नीचे लटकाकर पहुंचाया गया और कार में हाइड्रा के तारों को कसकर बांध दिया गया, जिसके बाद बामुश्किल 2 घंटे बाद हाइड्रा की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। आज दिनांक 23/1/2024 को थाना शेरकोट के ग्राम नूरपुर छिपरी के रहने वाले 5 व्यक्ति सफेद बैगनार गाड़ी से अफजलगढ़ से नुमाइश देखकर वापस अपने गांव जा रहे थे। वापस आते समय करीब 8 बजे उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र अंतर्गत हरेवली रामगंगा नदी बैराज में गिर गई। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से सिकंदर पुत्र उर्फ पुत्र रऊफ को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी में सवार अन्य 4 व्यक्ति खुर्शीद पुत्र अब्दुल रशीद, राशिद उर्फ मगवा, फैजल पुत्र सिराजुद्दीन, महरूफ पुत्र रऊफ प्रधान को क्रेन की मदद से गाड़ी सहित नदी से बाहर निकाला गया। तत्काल सीएससी धामपुर भेजा गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा मृतकों के पंचायतनामों की कार्यवाही के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।